वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये जो कुर्ती मैंने पहनी हुई है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की है पूरा वीडियो में एंड तक बताया हुआ है। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा और आप लोग को वीडियो ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स और सिलाई करना सीखे प्रीत तिवारी, दो प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पर जाकर जरूर चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइनर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मिल जाएगी और ब्यूटी पार्लर का कोर्स जो भी सीखना चाहता हूँ उससे ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड सारी वीडियो ब्यूटी पार्लर वाले में मिल जाएगी। तो आप जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। और ये कुर्ती मैंने कैसे स्टिच की है और कटिंग की है वो सब देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते, ज़्यादा बातें नहीं करते। हाँ, जिसको भी मेरे ब्लॉगिंग वीडियो में इंटरेस्टेड हो वो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, वहाँ पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे आपको मेरी ब्लॉगिंग वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूट की जितनी लंबाई लेनी है उतनी ले लीजिए आप, और फिर ये जितना आपका छाती का, कमर का और हिप का साइज़ है वो यहाँ पे मैंने लगा दिया। उसके बाद से 1.5 इंच मैंने ले लिया है, यहाँ से 14 इंच ले लेनी है चौक जो बैठाते हैं उसके लिए। यहाँ से छाती का साइज़ लेना है, यहाँ से कमर का साइज़ और यहाँ से हिप का साइज़ लेके इस तरीके से मिला देना है और 1.5 इंच छोड़ के जो हमने निशान लगाया उसको, उस निशान को कट कर देना है। तो किस तरीके से ये डिज़ाइन बन रहा है वो पूरा वीडियो देख लीजिए। ज़्यादा मतलब फोकस मैंने डिज़ाइन पे किया है, ये पूरा कटिंग, सूट का कटिंग सीखना हो तो उसके लिए आप मेरी और वीडियो देख लीजिए। बहुत सारी सूट की कटिंग बताई हुई है, स्लीवलेस सूट कटिंग एंड स्टिचिंग और बहुत सारी डिज़ाइनर कुर्ती, बहुत सारी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो है। दो प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, एक सिलाई करना सीखी और एक ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स। तो आपको जो भी चाहिए वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके अलग कर लेंगे। बहुत ही ईजी है कट करने के लिए और स्टिचिंग करना भी बहुत आसान है। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो ये कटिंग हो गया। अभी हम लोग कपड़ा लेंगे, हमको थोड़ा सा शोल्डर चौड़ा में बनाना है तो उसके लिए हम लोग इस तरीके से डबल फोल्डेड कपड़ा लेंगे। और इस तरीके से मतलब ये 4 फोल्ड हो गया, 4 लेयर हैं कपड़े की और 4 लेयर को 7 इंच चौड़ाई रख के और इस तरीके से कट कर देंगे। तो यहाँ से 7 इंच चौड़ाई लेके इस तरीके से कपड़े को कट कर देंगे। सॉरी जो कैमरा ले रही हैं, वीडियो ले रही हैं, उन्होंने थोड़ा इधर उधर कर दिया, प्लीज़ डोंट माइंड। तो इस तरीके से चौड़ाई कर 4 लेयर कपड़े को इस तरीके से कट कर लिया, ये दोनों हो गया। और इसको इस तरीके से फोल्ड करके उल्टी साइड से सिलाई चलाएंगे और इस तरीके से स्टिच करना है। और यहाँ पर आपका जो शोल्डर है ऑफ शोल्डर के पास इस तरीके से अटैच करना है निशान लगा के। तो पूरा स्टिचिंग देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे सिलना है आपको। एक यहाँ पे लग जाएगी, इसको ओपन करके दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए जैसे ये आपका सूट है, बहुत ही प्यारा स्टिचिंग करने के बाद बहुत अच्छा सा लुक आने वाला है। तो देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो ये देखिए एक आपको यहाँ पर लगा देनी है इस तरीके से और दूसरा आपको यहाँ पे लगा देनी है। ओके, तो चलिए सिल के दिखाते हैं कैसे कैसे सिलना है। तो जो हमने कट किया है उसके पास स्ट्रेट स्टिचिंग करने के लिए हमने दूसरी का मतलब इसी का सलवार का कपड़ा है उसमें से मैंने इस तरीके से कपड़े को स्ट्रेट कपड़ा कट कर लिया है। और ये जो हमने सूट कट किया था वो है, तो उल्टी साइड से आपको इस कपड़े को सूट में स्टिच करना है। 2 अलग अलग कट कर लिए हैं, यहाँ से आपको ये देखिए ये उल्टा वाला साइड है, अंदर की तरफ से इस तरीके से सिल लेना है। तो इसको सिल के दिखा देती हूँ मैं। तो इस तरीके से पूरा सिल लेना है और ऊपर की तरफ जो हमारा सीधी साइड है, जो पट्टी हमने कपड़े की कट की थी उसको ऊपर की तरफ से पलट के और फिर से सिलाई मार देनी है। तो ये हो गया, इसको ऊपर की तरफ से इस तरीके से पलटेंगे और हल्का हल्का फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देंगे। तो चलिए सिलाई करके दिखा देती हूँ। सेम इसी तरीके से आपको दूसरा जो सूट का पल्ला है उसमें भी स्टिच कर लेना है। जो ऊपर का साइज है हमारा, वहाँ पे जो हमने कट किया था छाती, कमर, हिप, जो छाती का साइज़ था वहाँ पे हमको ये पट्टी लगानी है। तो एक साइड में हमने इस तरीके से लगा लिया, फिर दूसरे वाले साइड में भी सेम इसी तरीके से आपको स्टिच करना है पट्टी को। तो ये देख लीजिए ये हमारा ऊपर का साइड है, तो यहाँ से हम लोग स्टिच करेंगे। यहाँ से पट्टी को रखा जो हमने अलग से कपड़ा कट किया था और इसको सिल लिया। पूरा वीडियो देखते रहिए अच्छे से समझने के लिए। फिर इसको भी ऊपर से फोल्ड करके और यहाँ पे
सिलाई लगा देंगे। ओके, हल्का हल्का फोल्ड करना है और उसके बाद से शोल्डर के लिए जो कपड़ा कट किया उसको कैसे जोड़ना है वो भी देखते रहिए, वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने सिल लिया और अभी हम लोग सूट में फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए क्या करना है, ये देखिए दोनों को इस तरीके से ऊपर से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से सिलाई मतलब फिटिंग का निशान लगा के और इसके ऊपर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था जस्ट अपना फिटिंग जो भी हो छाती कमर और हिप इस तरीके से निशान लगा के आपको फिटिंग के ऊपर ही जस्ट सिलाई चला देनी है दोनों साइड से। ओके, तो ये सिलाई चलाने के बाद से ये जो हमने कपड़ा कट किया था इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उल्टी साइड से इस पर दोनों साइड से सिलाई चला लेंगे। तो ये हमने सिलाई चला ली, दूसरी साइड भी चला लेना है और इसको पलट लेना है। ओके, इसको पलटने के बाद से इसको जोड़ना कैसे है वो आप देख लीजिए। तो ये जो हमने सूट की स्टिचिंग की थी एकदम यहाँ पे आपको ऐसे नाप लेना है, जो आप पहले आप सेंटर पार्टिंग निकालेंगे जो आपने फिटिंग की उसको बीचों बीच, जैसे हमारी फिटिंग 17 इंच पे है तो 8.5 इंच पे हमने फिटिंग का निशान लगा दिया, उसके बाद से जो 8.5 का निशान लगाया उसके दोनों साइड से 3-3 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दिया। उसके बाद से जो ये हमने कपड़ा उलट पलटा था जो 7.5 इंच का जो निशान लगाया है वहीं पर इस तरीके से इसको स्टिच कर देना है। और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दो चून नट लगा देनी है और उसके ऊपर से सिल लेना है। ओके, अब इसी को यहाँ पे लाके जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे इस तरीके से सिल लेना है। डबल चुन्नट लगाएंगे और सिलाई कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको करना है। देखिए ये वाला जो निशान है दूसरा वाला वहाँ पे भी इसी तरीके से सिलना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे भी लगा के दिखा देते हैं। और दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। इसको भी पलट लेना है और जैसे हमने उस साइड ज्वाइन किया था सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी ज्वाइन कर देना है, मतलब जोड़ लेना है इसको। जो यहाँ पे निशान लगाई है वहीं पे पहले नीचे की तरफ से सिल लेते हैं, दो चुन्नट लगाएंगे बीच में। और फिर यहाँ से लगाएंगे और ये हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। नीचे का चौक कैसे बैठाना है वो भी देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीका और अच्छे से बताया हुआ है। तो ये हो गया, तो चलिए नीचे का चौक कैसे बैठाना है वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और जो हमने 14 इंच पे निशान लगाई थी वहाँ तक इसको सिल के लेके जाना है इस तरीके से फोल्ड करते हुए। डबल सिलाई चलानी है आपको चौक पे। तो ये देखिए यहाँ तक इस तरीके से आपको सिल के लेके आना है, फिर यहाँ से इस तरीके से घुमाना है और एक सीधी लाइन सिलाई चला देनी है, फिर यहाँ से फिर से चौक को घुमा लेना है और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरा नीचे तक लेके जाएंगे। तो कैसा बना है वो भी देख लीजिए। तो ये देख लीजिए आप, इस तरीके से आपको आपका चौक एकदम फिनिशिंग और अच्छे से बैठ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कैमरा हिला रही है, प्लीज़ डोंट माइंड। तो दूसरी साइड भी सेम उसी तरीके से आपको सिलाई चला लेनी है और एकदम कोर पे जब आपका पूरा चौक बैठ जाए कोर पे एकदम मतलब किनारे पे एकदम सिलाई चला देनी है। तो ये हमारी चौक बैठाने की प्रक्रिया एकदम कंप्लीट हो जाएगी।
तो इसको मैं पहन के आप लोग को दिखा देती हूँ कि कैसा बना है। पूरा वीडियो मैंने पिक क्लिक करके लास्ट में लगाई थी। और ये देख लीजिए इसका चौक कैसा बैठा हुआ है, जूम करके दिखा देते हैं। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा इस, थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल ऑड नहीं लगता है। यहाँ पे और भी लड़कियाँ सिलाई सीख रही हैं। और ये है सूट का फाइनल लुक, तो इसको चलिए पहन के दिखा देती हूँ। ये बैक का लुक है, बैक से मैंने बाद में चौकोर गला कर दिया था, ज़्यादा छोटा लग रहा था मुझे। और ये फ्रंट का लुक है। तो कैसा लगा गाइज आप लोग को सूट मेरा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी आपको कोई डिजाइनर ड्रेस वगैरह सीखनी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ कोई भी डाउट हो तो। वैसे मैंने इसमें कटिंग स्टिचिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा डिज़ाइन पे ध्यान दिया। तो आपको अगर ना समझ में आई तो मेरी और भी वीडियो हैं, उसको चेक कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी सूट कटिंग और स्टिचिंग और फिटिंग कैसे लगाते हैं सूट में ये सब। कैसी लगी आप लोग को मेरी कटिंग और स्टिचिंग और मेरी पिक्स कैसे लगी? आई होप सब कुछ अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आ गया हो। बहुत ही इजी है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आ गया, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोग को सबसे पहले दिखा सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं वीडियो तक। अपना ख्याल रखिए, मुझे अच्छी सपोर्ट करते हैं और इंडियन यूट्यूब पी टी वाई चैनल पर जरूर जाइएगा। बाय।